हेलो एवरीवन, क्या चल है आपका। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज मैं आपको फोनिक्स पाम और इसे पिग्मी डेट पाम भी बोलते हैं, ऐसे तीन प्लांट आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा हार्डली प्लांट होता है, अगर आप इसको 3 दिन के बाद भी पानी दोगे तो भी ये अच्छी तरह से ग्रोथ करते रहेंगे, और ये सर्दी और गर्मियों में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं। अगर आप इसको फुल सनलाइट में रख दोगे तो भी बहुत ही अच्छी तरह से ये ग्रोथ करेगा। जो ऑफिस में काम करते हैं, अपने प्लांट की तरफ कम ध्यान दे पाते हैं, उनके लिए प्लांट बहुत ही अच्छा प्लांट है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्डली प्लांट है। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये जो दो प्लांट आप सामने देख रहे हैं ये मैं अलग अलग नर्सरियों से लेकर आया था। जो ये वाला प्लांट देख रहे हैं ये मैं छोटी नर्सरी से लेकर आया था। ये वाला प्लांट मुझे 500 रुपये का मिला था, सिर्फ बिना गमले के। तो जो ये वाला प्लांट है भी ये वाला मैं प्लांट बड़ी नर्सरी से लेकर आया था। ये वाला प्लांट मुझे 1000 रुपये का मिला था बिना गमले के। तो इसकी केयर की बात करूं, केयर बहुत ही कम है। मैंने आपको बोला था पानी की रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल नहीं, बहुत ही कम होती है इसे। और इसकी जो फर्टिलाइज़र की बात करूं, मैं इसको जो गोबर खाद होती है वो पानी में भिगो देता हूं, यानी कि 10-15 लीटर पानी में भिगो कर रख देता हूं 2 दिन के लिए, उसके बाद मैं इसको दे देता हूँ, और उससे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं। इसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं उससे, और जो सिर्फ जो नीचे पुराने पत्ते होते हैं वो तो हर एक प्लांट के सूखते हैं, इसके भी सूख जाते हैं, और मैं उसके बाद इसकी कटिंग कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव करते हैं। ये 3 साल पहले मैं लेकर आया था। जो इसकी एक्चुअली डेट इसका मुझे पता नहीं है कितने साल के होंगे, ये अगर मैं आइडिया लगाऊँ ये 7-8 साल का होगा प्लांट, शायद उससे कम हो, क्योंकि इसकी आप ट्रंक देख रहे हैं काफ़ी हेल्थी ट्रंक है। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये सर्वाइव करते हैं। ये इसके पत्ते देखो आप, बिल्कुल ही ऐसे ही हरे भरे रहते हैं, क्योंकि ये आधे दिन की धूप की इसके ऊपर पूरी पड़ती है। तो ये वाला प्लांट भी आप देखें, ये भी काफ़ी हेल्थी प्लांट है, क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। जो इसकी ट्रंक है मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी काफ़ी हेल्थी है। और प्राइस का देखो कितना डिफरेंस है छोटी नर्सरी और बड़ी नर्सरियों का। देखो एक 500 का आया है, ये वाला 1000 रुपये का आया था। जो मेरा तीसरा प्लांट है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, वो तो मैंने छोटा सा प्लांट लगाया था 15 साल पहले, वो भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो ये मैंने घर की मेन एंट्रियों पे रखा हुआ है, ये मेरी घर की मेन एंट्री है, दो है मेरे घर की मेन एंट्री, एक उधर है ये एक इधर है। तो ये दोनों मैं दोनों तरफ रखा हुआ है, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड, काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये थोड़े से स्पेस तो लेते हैं, अगर आप इसको घर की एंट्री पे रखोगे एक भी रख दोगे तो भी ये बहुत ही अच्छा लगेंगे, बहुत ही अच्छे प्लांट लगते हैं ये, क्योंकि ये हमेशा ही ऐसे हरे भरे रहते हैं, तो केयर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इसको। जिसके पास कम टाइम होता है इस प्लांट को जरूर लगाएं। और जो मेरा दूसरा प्लांट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो इससे बड़ा है काफ़ी, क्योंकि वो 15 साल का हो चुका है। वो छोटा सा प्लांट मैंने लगाया था तो वो इधर पड़ा हुआ है, एक मेरे घर की मेन एंट्री इधर है। जो आप ये वाला प्लांट देख रहे हैं ये 15 साल से ऊपर हो चुका है। ये मैंने छोटा सा प्लांट लगाया था, पहले ये छोटे गमले में था, अभी ये बड़े गमले में इसको मैंने शिफ्ट कर दिया था। तो इसकी भी जो मैं केयर मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, केयर इसकी ज़्यादा केयर नहीं है। इसकी अगर रिपोर्ट भी अगर आपने इसको करना है तो 4-5 साल के बाद भी आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं कि इसको इसमें कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जो मेन इसकी जो ट्रंक है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसकी जो मेन ट्रंक है ये देखो कितनी ओल्ड लग रही होगी आपको, ये ट्रंक से ही आइडिया हो जाएगा ये कितना पुराना हो चुका है। तो ये तकरीबन 15 साल से ऊपर हो चुका है। तो मुझे ये भी मेरा फेवरेट लिस्ट में है प्लांट, क्योंकि मुझे ज़्यादातर प्लांट जो वो पसंद होते हैं जो सदा बहार हो, मौसमी प्लांट मुझे कम पसंद आते हैं। तो मैं ज़्यादा मोस्टली मैं जो सदा बहार प्लांट हो, एवरग्रीन रहे, उसे मैं लगाता हूँ। तो क्योंकि उससे ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और हमेशा ही वो हरे भरे रहते हैं, ना ही वो डेड होने का डर होता है। तो इसके ऊपर देखो ये ऐसी फ्लावरिंग आती है, हर साल ऐसी ही निकलती है, जो ज़्यादा पुराना हो जाता है उसके ऊपर आती है ये वाली। तो
काफ़ी बहुत ही हार्डली होता है, हर साल ऐसे ही निकलता है। इसकी भी देखो जो इसकी जो बनतर है, ये कैसे नीचे को झुका हुआ है, ये इसके जो लीफ होते हैं काफ़ी बहुत ही प्यारा लगता है ये पाम। तो आप अपने घर में ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये आप हमेशा ही कोई हर कोई चाहता है कि जो मेरा प्लाट हमेशा ही ऐसे हरा भरा रहे, उसे ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत ना पड़े और वो ऐसे ही चलता रहे। ये वाला प्लांट उस प्लांटों में है। तो इसको हर एरिया में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। जो ज़्यादा कॉमन नाम है वो तो इसका फोनिक्स पाम और इसके पिग्मी डेट पाम भी बोल देते हैं। तो ये हमेशा ही मैंने 3 प्लांट रखे हुए हैं। एक तो मेरी घर की मेन एंट्री ये है, तो उसके मैंने बिल्कुल सामने ये वाला प्लांट रखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखा देता हूँ, जो मेरे घर का व्यू है। इधर आप देखें, ये ऐसा मेरा व्यू है घर का। जो क्योंकि मैं एक दिन पूरी वीडियो बनाऊंगा मैं अपने घर के व्यू के ऊपर, कैसे एंट्री की और कौन से प्लांट है और जो फ्रंट पे कैसे हैं और पीछे पीछे की तरफ मेरे प्लांट कैसे हैं, वो मैं सब आपको अगली वीडियो में या कभी भी मैं वीडियो बनाऊंगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मैं तो आपको हमेशा ही ये बोलता हूँ कि आप हमेशा जो अपने सदाबहार प्लांट होते हैं वो ही लगाएं, क्योंकि वो आपकी निगाह में रहेंगे और उसको ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ज़्यादातर वो सर्वाइव करते रहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्डली प्लांट है, इतना हार्डली प्लांट है, अगर पानी की मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आप 3 दिन 4 दिन भी निकल जाएंगे तो भी इसको 4 दिन के बाद भी दोगे, 5 दिन के बाद भी दोगे, तो भी ये प्लांट सर्वाइव करता ही रहता है। तो जो इसके नीचे ऐसे पत्ते होते हैं ना, अगर ऐसे ओल्ड हो जाते हैं, अभी तो मैंने कटिंग कर दिए हैं ये वाले पत्ते, तो काफ़ी साल के बाद, 1 साल के बाद सूखते हैं वो, तो ज़्यादा अभी केयर की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मैं कटिंग कर देता हूँ। तो ऐसे जो नीचे की ये वाली सफाई है ये तो अपने आप ही होती रहती है, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये अपने आप ही ये धीरे धीरे ये ऐसे ये निकलती जाएगी। ये देखो ये अभी निकल रही है ना, अभी इसकी सफाई होने वाली है। ये देखो ये ऐसे ना, ऐसे आप देखो ये ऐसे इसकी सफाई होती रहेगी, अपने आप ही ये ऐसे हो जाएंगे। आप जब कटिंग करते हो ना उस वक्त ऐसे निकालने की इससे ज़रूरत मत करना। अगर मैं कोशिश करूँगा ना, ये वाला नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी ये इसको इसकी जो नीचे है उसको पूरी पकड़ अपनी की हुई है जो प्लांट ने, तो निकलेगा नहीं। जो अभी ये पुराना हो गया, ये देखो अभी ये पुराना है तो ये निकल रहा है, ये देखो ऐसे ये निकल जाता है। तो अभी मैं इसको बाद में करूँगा इसकी सफाई अच्छी तरह से, और ये ऐसी ट्रंक ये साफ़ हो जाएगी फिर। तो बहुत ही ज़्यादा हार्डली प्लांट है, तो मैं तो आपको हमेशा यही बोलूँगा कि आप ये जरूर लगाएं प्लांट। तो आप देखो, ये देखो अभी ये यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। तो प्लीज़ आप जरूर बताना मेरा ये आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय।